भारतीय टीम पर लगा 10 करोड़ का जुर्माना। अब भारतीय टीम को चुकानी पड़ेगी ये मोटी रकम। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये किस वजह से जुर्माना लगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, इस समय एशिया कप खेला जा रहा है। इस एशिया कप का जो आयोजन है वो दुबई में किया गया है। भारत ने अब तक इस एशिया कप का 2 मैच खेल लिया है और दोनों ही मैच टीम इंडिया ने काफी बेहतरीन तरीके से जीता। पहला मैच टीम इंडिया को पाकिस्तान से हार्दिक पांड्या ने जिताया, वही दूसरा मैच टीम इंडिया को सूर्य कुमार यादव ने जिताया। उस मैच में तो सूर्य कुमार यादव ने काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की। सूर्य कुमार यादव उस मैच में 26 गेंदों में 68 रन बनाए थे। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत के ऊपर जो जुर्माना लगा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 28 तारीख को भारत ने पाकिस्तान से मैच खेला था। उस मैच में भारत के ऊपर स्लो ओवर रेट के चलते जुर्माना लगा दिया गया है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जुर्माना भारत पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान पर भी लगा। दोनों ही टीमों को स्लो ओवर के चलते जुर्माना चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, स्लो ओवर रेट क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। स्लो ओवर रेट का मतलब, जैसे कोई खिलाड़ी दस्ताना मंगा रहा है या पानी मंगा रहा है, उसमें जो है वो अगर एक्स्ट्रा टाइम ले लेता है तो वो स्लो ओवर रेट में मान लिया जाता है। स्लो ओवर रेट में और भी बहुत सारी चीजें आती है। स्लो ओवर रेट के चलते दोनों टीमों को करोड़ों रुपए चुकाने पड़े, जिसका जिक्र बीसीसीआई ने अपने मेन वेबसाइट पर कर दिया। दोस्तों, एक छोटी सी गलती की वजह से इस दोनों टीमों का बहुत नुकसान हो गया।